जयपुर में जेम स्टोन और ज्वेलरी का करीब 300 साल पुराना बिजनेस है। यहाँ के कारीगरों में पत्थर को तराश कर रत्न बनाने का हुनर सदियों से आ रहा है। तभी तो दुनिया के जेम स्टोन कटिंग और पॉलिशिंग मार्केट में 90% हिस्सेदारी के साथ जयपुर का दबदबा है। फिलहाल ये मार्केट कोरोना और मंदी के कारण पूरी तरीके से प्रभावित हो चला है, लेकिन जयपुर के ज्वेलर्स अपनी मेहनत और वर्तमान समय की चुनौतियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने ज्वेलर एसोसिएशन जयपुर के प्रेसिडेंट संजय काला से की खास बातचीत। जयपुर के जेम और ज्वेलरी ट्रेड की पूरी दुनिया में खास पहचान है। जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन ने जस एग्जीबिशन के माध्यम से इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान किया है और इस समय हमारे साथ हैं जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय काला जी, इनसे बात करेंगे। संजय जी, कोरोना के कारण सभी जो उद्योग व्यापार है सभी के सामने एक बड़ी चुनौती है और जयपुर का जो ट्रेड है इसमें बहुत सारे कारीगर हैं, व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है, इसके सामने भी एक बड़ी चुनौती है। अब इस चुनौती का सामना किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह की रणनीति आपकी ओर से बनाई जा रही है? देखिए, अभी जो सारी पोजीशन है हम समझ रहे हैं, पिछले 2.5 महीने हमने लॉकडाउन में गुजारे हैं और अब अनलॉक शुरू हो गया है। और जो हमारे यहाँ की जैसे सीतापुरा में फैक्ट्रियाँ हैं तो पूरे इंडिया में सबसे पहले ऐसी जोन है वो अपना सीतापुरा चालू हुआ है और करीब करीब 125 यूनिट में से 75 यूनिट इसमें से अपनी कार्यरत है। हालांकि वो अभी 100% कैपेसिटी में नहीं चल रही, पर अभी बहुत टाइम है अपने पास धीरे धीरे इसको डेवलप करने का। डिमांडें भी धीरे धीरे आ रही है, पुरानी डिमांडें भी थी लोगों के पास और अब भी नई डिमांडें भी धीरे धीरे आ रही है, तो उस सबको देखते हुए हम लोग जल्दी ही अपना जो नेचुरल बिजनेस है उसको जल्दी से जल्दी अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग एंथुजियास्टिक हैं और काम करना चाहते हैं। यहाँ जो प्रीसियस सेमी प्रीसियस स्टोन का काम है जिसकी खास पहचान है पूरी दुनिया में, उसमें बहुत सारे कारीगर हैं जो वर्षों से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के माध्यम से भी बहुत से युवाओं को रोजगार भी दिया है, उस पर क्या असर पड़ा है इस कोरोना का? देखिए, अभी 2.5 महीने तो बिल्कुल काम नहीं हुआ है और क्योंकि हमारे जो कारीगर हैं वो मैक्सिमम वॉल सिटी में रहते हैं तो उनको भी किसी तरीके का काम नहीं मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेड को नुकसान हुआ है और जो खास तौर से कारीगर हैं उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। पर हम लोगों ने अपने ऑफिस शुरू कर दिए हैं और जो भी डिमांडें बाहर से आ रही धीरे धीरे उसे पूरा भी कर रहे हैं। और जैसे अपना जो चाइना सेक्टर है, हांगकांग सेक्टर है, जो कि हमारा कम से कम 30-40% बिजनेस वो कवर करता है, तो वहाँ से डिमांडें आना शुरू हुई है और हमने भी सप्लाई करना शुरू किया। आपके इस ट्रेड में और आपकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उनमें बंगाली कारीगर बहुत काफ़ी संख्या में हैं, बहुत सारे कारीगर तो पीढ़ी दर पीढ़ी भी काम करते रहे हैं, तो इसमें लेकिन इस दौरान बहुत से कारीगर मजदूरों ने पलायन भी किया है, तो कितना असर पड़ा है? अभी जब अनलॉकडाउन हुआ है और सब कुछ हुआ है, इसमें लोग जो पलायन हुआ है उसके अंदर गए हैं कारीगर, और वो भी अच्छा परसेंटेज है। पर अभी जितना काम आ रहा है उसके हिसाब से अगर हम उसको सेटल करेंगे तो अभी हमारा काम चल जाएगा जो कारीगर हैं। पर नियर फ्यूचर में ही, मतलब हो सकता है कि अगले महीने या उसके अगले महीने या 15 दिन बाद से जो ऑर्डर आए उसमें हमारे को दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए हमने नीति बनाई है कि हमारे जो कारीगर, जो हमारे लेबर बाहर से राजस्थान में पलायन करके आई है, जो कि बाहर काम करते थे, या जयपुर में आई है, हम उनको भी ट्रेनिंग देने का विचार कर रहे हैं और उसकी भी व्यवस्था हमने शुरू की है। हमारे यहाँ पर दो तरह का ट्रेड है आपके इसमें, एक जेम ट्रेड और ज्वेलरी ट्रेड। ज्वेलरी डोमेस्टिक मार्केट को ज़्यादा सीधा उस पर उसका ताल्लुक है और जेम एक्सपोर्ट मार्केट पर। एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है, क्योंकि खासतौर से USA, यूरोप, वहाँ अभी कोरोना के कारण ट्रेड वहाँ सारा डिस्टर्ब है, तो अपना जो एक्सपोर्ट है उस पर क्या असर है इसका, और उसको लेके आपने कि इसको पटरी पर लाया जाए क्या रणनीति तय की है? अभी हम लोग असल में क्या है कि इट इज़ अब हम ये कह सकते हैं बहुत ही जो अपना कोरोना वायरस का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो अभी चल रहा है, मतलब अभी ये नहीं कह सकते हम कि वो वायरस का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है और हम अब तेज़ी से दौड़ सकते हैं। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अभी अमेरिका में तो पूरा फैला हुआ है, इंडिया में भी अभी उल्टा ये मान रहे हैं कि बल्कि 1-1.5 महीना लग सकता है पीक आने में, तो मतलब ओवरऑल परिस्थितियां अभी कोरोना से अवे नहीं हुई है कि अपन दौड़ने की बातें करने लगे। अभी सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई है कि हम लोगों ने अपने एस्टेब्लिशमेंट खोल लिए हैं, हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू कर दी है और हमने पार्सल लगाने शुरू कर दिए हैं। ये इनिशियल स्टेज है
अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बायर्स के डिमांड आएगी उसके हिसाब से हम काम को आगे बढ़ाएंगे। घरेलू मार्केट की बात करें तो यहाँ अब किस तरह, क्योंकि शादियाँ लगभग 2-3 महीने से नहीं हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो डिमांड शादियों में ही आती है स्थानीय बाजार में, और आगे ये सीजन लगभग ख़त्म है, तो आगे किस तरह की क्या चुनौतियाँ हैं, कितना माल है, कितने व्यापारी जो इससे जुड़े हुए हैं, कारीगर हैं, सबके ऊपर कितना असर पड़ा है? देखिए, व्यापार का तो अच्छा खासा असर पड़ा है, क्योंकि 3 महीने व्यापार ही नहीं हुआ है और सेल नहीं के बराबर हुई है। किसी के घर में ही एकदम कोई खास जानकार ज्वेलर हो और उसने खोल के किसी को सामान दे दिया हो तो बात अलग है। बाकी ओवरऑल शादियां भी बहुत ही कम हो रही है। साउथ में मैंने सुना है कि सीजन जुलाई एंड तक है, तो हो सकता है कि वहाँ से हमारे को कुछ व्यापार मिले और व्यापार आगे बढ़े। अदरवाइज़ जो उसके बाद के अगले 3 महीने हैं, जो जुलाई से और अपन अक्टूबर तक देखते हैं, तो वो शादियों का सीजन नहीं है पर खरीदारी का सीजन रहता है, क्योंकि जो शादियां अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होती है तो ज्वेलरी की खरीदारी ऐसा नहीं होता कि 1 दिन पहले होती है कि 10 दिन पहले होती है, वो आदमी प्लान करके 2-3-4 महीने पहले खरीदारी करता है। तो मुझे विश्वास है कि जो जुलाई अगस्त सितंबर का सीजन है इसमें ये मार्केट खुलेगा, क्योंकि जो अभी शादियाँ नहीं हुई है वो सारी शादियाँ उस वक्त करेंगे जबकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में करेंगे, तो काफ़ी अच्छा सीजन आने के चांस है, हम काफ़ी होपफुल हैं। सामान्य मार्केट में जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें बढ़ती है, एक सामान्य फार्मूला है, लेकिन यह गोल्ड सिल्वर दोनों में स्थानीय बाजार की बात करें तो डिमांड नहीं है, इसके बावजूद भी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, इस फार्मूले को थोड़ा सा समझाएंगे कि हमारे दर्शक भी समझ पाए। देखिए, असल में जो गोल्ड या सिल्वर की जो प्राइसेज हैं इंटरनेशनल प्राइसेज हैं, इंडिया इसका बड़ा खरीदार है पर धीरे धीरे खरीदता है, पूरे साल में इसका जो अपनी खरीदारी है वो बढ़ती है, जबकि इसकी जो प्राइसेस ड्राइव हो रही है या कंट्रोल हो रही है वो हो रही है जो बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि बुलियन के तरीके से गोल्ड को खरीदते हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक्स हैं, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्योंकि अभी जैसे सारी जगह अपन देख रहे हैं कि अनसर्टेनिटी का माहौल है, तो वो सारा पैसा ऐसी जगह लगाना चाहते हैं जहाँ वो श्योर हो जाए कि भाई इतना परसेंट रिटर्न मिल जाएगा या पैसा कहीं जाएगा नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए उनके जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में हो रहे हैं और इसीलिए इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस ऊपर जा रही है। जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी जब तक गोल्ड की प्राइसेस ऊपर ही रहेगी, अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद जब वो इन्वेस्टमेंट वहाँ से निकाल के और कहीं लगाएंगे और जैसे शेयर मार्केट में या और कहीं इन्वेस्ट करेंगे तब जाके गोल्ड की प्राइसेस डाउन आएगी, तो अभी तो यही संभावना है कि गोल्ड प्राइस और ऊपर जाए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट संजय काला, इन्होंने कोरोना काल में जो इस ट्रेड में परेशानियां झेली हैं उसके बारे में बातचीत की, लेकिन साथ ही इन्होंने उम्मीद जताई कि जिस तरह से जयपुर में सभी मैन्युफैक्चरर्स सभी यूनिट्स में काम शुरू हुआ है तो इसी तरह से धीरे धीरे काम शुरू होगा, नए डिज़ाइंस बनेंगे, नई ज्वेलरी बनेगी, जेम्स में काम होगा, तो धीरे धीरे इसकी मांग भी आएगी और ये पूरा ट्रेड नए तरीके से नई संभावनाओं के साथ पटरी पर आएगा। कैमरामैन विजय गिरी के साथ बीके शर्मा, A1 TV जयपुर।